राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये दोनों शब्दों में बहुत कन्फ्यूजन है। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती रियाज गुरु चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज ये दोनों शब्दों के बारे में विस्तार से समझेंगे। राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित और कंपोज किया गया है 1911 में। राष्ट्रगीत मतलब नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 1876 में आनंदमठ पुस्तक से लिया गया है। नेशनल एंथम गाया जाता है नेशनल हॉलीडेज में, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में, जैसे कि इस वर्ष नीरज चोपड़ा को जब गोल्ड मिला तो बहुत गर्व के साथ जापान में राष्ट्रगान को बजाया गया था। नेशनल सॉन्ग गाया जाता है पब्लिक और स्टेट ओकेजन में। नेशनल एंथम गाने का टाइम लिमिट्स है 52 सेकेंड्स, पर नेशनल सॉन्ग गाने का कोई टाइम लिमिट्स नहीं है। राष्ट्रगान का बेसिक ट्यून चेंज नहीं किया जा सकता, परंतु राष्ट्रगीत का ट्यून चेंज कर सकते हैं। जनगण मन देश के हिस्ट्री, कल्चर और स्ट्रगल्स को बताता है, किंतु वंदे मातरम देश के डेवलपमेंट्स एंड ग्रेटनेस के बारे में बताते हैं। 51A आर्टिकल के हिसाब से हमारे देश के हर सिटीजन को राष्ट्रगान जानना और गाना फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है, जबकि वंदे मातरम गाने का कोई कंपल्शन नहीं है। जन गण मन का भाषा बांग्ला और संस्कृत मिक्स है। वंदे मातरम का भी संस्कृत और बांग्ला मिक्स है, परंतु इसमें संस्कृत थोड़ा ज्यादा है। अंत में एक मजेदार बात, दोनों सॉन्ग के जो पोएट हैं वो बंगाली है। मुझे आशा है ये वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।